हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस में आज आपको फॉर्म व्यू में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जी हाँ, फॉर्म व्यू में भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सारी चीजें, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 है, आपके पास अगर 2016 भी है तो लगभग सेम आपको चीजें मिलेंगी उसमें। और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे चलते हैं और एक नया डेटाबेस हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक बाई डिफॉल्ट नेम आ जाता है और ये तो जानते ही हैं कि एक्सेस के फाइल की एक्सटेंशन होती है .accdb। तो चलिए क्रिएट पे कर देते हैं क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आएगा। अब आपको करना क्या, यहाँ से व्यू पे जाना है और ये डिजाइन व्यू पे आना है। तो ये आ गया डिजाइन व्यू और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एडिशन नाम से एक टेबल बना लेता हूँ। तो ये कर दिया एडिशन। अब ये टेबल आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट वन का मार्क्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले तो नेम आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट कर लेते हैं, यानी स्टूडेंट का नाम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट। ये जो है डेटा टाइप है, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप है। यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट अगर लेते हैं तो वी कैन राइट हियर स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वन आएगा, फिर यहां पे सब्जेक्ट टू आएगा, फिर यहां पे सब्जेक्ट थ्री आएगा, इस तरीके से सब्जेक्ट फोर आ जाएगा और हम सब्जेक्ट फाइव तक लेके आएंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट फाइव। तो ये कुल मिला के पांचों सब्जेक्ट आ चुके हैं, देख सकते हैं। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे नंबर रखना है, ठीक है। और यहां पर भी नंबर रखना है और यहां पर भी नंबर रखना है, हर जगह नंबर रख लीजिएगा, ठीक है। और नंबर रखने के बाद क्या करना है, ये अब टोटल यहां से करना ही नहीं है, टोटल यहां से नहीं करेंगे। तो कहां चल के करेंगे, फॉर्म व्यू में। कैसे, यहां पे सबसे पहले यहां पे क्लिक कर देंगे और यहां पे कुछ चीजें फिल कर लेते हैं, जिससे नेम ऑफ स्टूडेंट यहां पे मैं कर देता हूं SURAJ सूरज सिंह, ये पहला नाम। यहां पर मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 100, ये मार्क्स यहां पे डाल रहा हूं। तो जो भी मार्क्स है वो यहां पे डाल दीजिएगा, लेकिन टोटल यहां से हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये मार्क्स आ गए और यहां पे दूसरा नाम आ गया, तो यहां पर भी मार्क्स आएंगे। तो जो भी मार्क्स है वो यहां पर हमें डालने हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नाम आएगा, तो यहाँ पे तीसरा नाम भी लिख दिया हमने और जो भी मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहाँ पर डालते हुए चलेंगे हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से तीन रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट कराए। अब इस टेबल को क्लोज करते हैं, यहां से एक फॉर्म बनाते हैं, क्वेरी नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है, फॉर्म बनाएंगे सीधा, ठीक है। तो यहां से चलेंगे फॉर्म विजिट पे, ये जो विजिट है यहां से जाएंगे और आपको किस तरीके से करना है समझिएगा। आईडी चाहिए नहीं, तो नेम ऑफ स्टूडेंट लेना है, ये सारी चीजें लेकर के, और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। और कॉलमर फॉर्म में ही डेटा चाहिए तो कॉलमर रख करके मॉडिफाई करके यहां से फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें यहां पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, यहां से हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। सवाल ये है कि फॉर्म व्यू में ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करके यहां से मैं कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, ताकि ये देखने में ठीक ठाक लगे, पता चले कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है और यहां से बोल्ड भी कर देता हूं। अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है, यानी यहां पर हम टोटल दिखाना चाहते हैं और ये फॉर्म व्यू में कैसे करेंगे, सवाल यही है। तो देखिए, यहां से फॉर्म डिजाइन पे चले जाइए और यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। तो ये आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ड्रैग करवा लीजिएगा, इस तरीके से ये ड्रैग करवाइएगा। तो ये ड्रैग करवा लिया। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट 13 आ रहा है, तो यहां पर क्लिक करिएगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। और यहां पर आएंगे ना तो ये लेबल आपको दिख रहा होगा, तीन जो आ रहा है, यहां पर आएंगे अदर ऑल, ऑल पे आके यहां पे टेक्स्ट 13 जो है इसको हटा देंगे। यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे रखेंगे टोटल, TOTAL, ठीक है। तो ये टोटल यहां रख दिया है और सेम यही चीज यहां पर भी, यहां पर भी ये टेक्स्ट 13 जो आ रहा है इसको हटा करके यहाँ पे TOTAL टोटल रखेंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है कंट्रोल सोर्स ऑप्शन और ये थ्री डॉट्स, तो ये थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से जाएंगे अब, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐड करते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स को ऐड करना जरा देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट वन लिखा, ठीक है, और प्लस करेंगे, फिर सब्जेक्ट टू करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू प्लस सब्जेक्ट थ्री, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट फोर प्लस, अब सब्जेक्ट फाइव तक है तो सब्जेक्ट फाइव तक चलेंगे पूरा। तो यहां पे सब्जेक्ट फाइव हो जाएगा, ठीक है, SUB फाइव, तो सब्जेक्ट फाइव तक आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां से ओके करना है
और ओके करने के बाद क्या करना है, यहां से थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया और यहां से भी जाके थोड़ा बड़ा करेंगे, ये हो गया। और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए टोटल होता हुआ आपको नजर आएगा, देख रहे हैं। अब यहां पर कॉम्बो वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बो कैसे बनेगा, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर टोटल आया है तो टोटल वाले बॉक्स को और इसको दोनों को कंट्रोल प्रेस करके एक साथ कलर चेंज करेंगे इसका। तो कलर हम क्या रखेंगे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में हम यहां पे कलर रख लेते हैं थोड़ा सा येलो, ठीक है। और ये पूरा डेटा बना लेते हैं डार्क में, ठीक है, और बोल्ड में। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर टोटल आया हुआ है तो जाहिर सी बात है टोटल आया है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहां पर क्लिक करना है और ऊपर यहां पे आना है और यहां से आकर के ये कॉम्बो लेना है और यहां पर इसको ड्रैग करवा दीजिए, बस काम हो गया है। यहां पर आपको कॉम्बो दिखाई पड़ेगा, थर्ड वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़िएगा। आईडी के बेस पे या नेम के बेस पे, तो इस बार हम नेम के बेस पे करेंगे, आईडी के बेस पे नहीं करेंगे। तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट ले लीजिएगा और यहाँ से नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करिएगा और यहाँ स्टूडेंट वन पता नहीं क्यों आ जाता है, तो ये वन हटा दीजिएगा और ये फिनिश कर दीजिएगा। और ये जो है यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और यहां से इसको थोड़ा सा छोटा, तो ये काम हो गया है। अब क्या करना है हमको, यहां से इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करके क्या कीजिएगा, यहां पर आकर के इस पर क्लिक कीजिएगा, तो ये क्लिक कर दिया और बोल्ड भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो है कॉम्बो बॉक्स है तो इसका भी कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो यहां से बैकग्राउंड कलर मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, जरा देखिएगा ये कलर, ठीक है। तो अब ये आपका कॉम्बो है, तो यहां कॉम्बो से जो भी चूज करेंगे नेम उसी का डिटेल यहाँ नीचे दिखाई देगा, देख रहे हैं। तो इस तरीके से सीधा सीधा फॉर्म में आप एडिशन करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि फॉर्म में एडिशन कैसे करवाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।